हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड लाइन स्टॉक्स। और आज थर्ड स्ट्रेट डे, कॉन्सिक्यूटिवली थर्ड डे हमने निफ्टी के ऊपर नए हाई लगते हुए देखे हैं। कुछ नई खबरें और कुछ पुरानी खबरों का असर आज मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। अगर आज की बात करें तो हाई रहा है 16,349, यानी कि 16,350 तक के लेवल आज हमने हासिल करे हैं निफ्टी के ऊपर, जो बहुत बड़े लेवल्स हैं। आप सोचिए, ठीक तीन दिन पहले हम लोग किन लेवल्स पर थे, 15,800 से भी नीचे हमने क्लोजिंग दी थी 30 जुलाई 2021 को। और आज की बात करें हम लोग 5 अगस्त 2021 को, जो वीकली एक्सपायरी का डे था, उस पर हम लोग 15,350 के आसपास के लेवल देख चुके हैं। तो इतनी बड़ी तेजी विद इन फ्यू ट्रेडिंग सेशन, मात्र 4 ट्रेडिंग सेशंस में आई है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज लग रही होगी कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी नीचे की तरफ जरूर आ सकता है। जी हाँ, ये इंडिकेशंस यहां पर मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आज एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है, यानी कि एक इनडिसाइसिवनेस मार्केट में आ चुकी है, और वो भी इस ब्रेकआउट के बाद में। देखिए, ब्रेकआउट आने के बाद में इनडिसाइसिवनेस आने का ये मतलब है कि हम लोग एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते कि कौन से लेवल्स होंगे जहां से मार्केट रिट्रेस होगा, या अभी मार्केट कहां तक और ऊपर जा सकता है। तो ये चीजें प्राइमा फेसी यहां पर आप देख सकते हैं चार्ट्स के हिसाब से। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 70 पॉइंट्स के आसपास है, और यहां पर एक्चुअली फ्लैटन होने लगा है। तो आरएसआई के अंदर भी अब उतनी जान शायद ना बचिए कि इसको और ऊपर तक लेके जा सके, और कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल से नीचे भी आने की कोशिश करेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास में 16,000 के ऊपर के लेवल्स, तो इसलिए बहुत ज्यादा गिरावट अभी भी होने के चांसेस नियर टर्म में, नियर फ्यूचर में यहां से नहीं दिखाई दे रहे। खैर, देखिए, मैं सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर आपको बताना चाहूंगा वो चर्चा जो आज पूरा दिन न्यूज मार्केट में होती हुई दिखाई दी है, एंड दैट्स बीइंग ऑफ कुमार मंगलम बिरला, जो जिन्होंने वोडाफोन आइडिया से इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद में फिर से आज 20-25% तक की गिरावट यहां पर वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में लगती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट वहां पर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, तो एक पैनी स्टॉक और भी ज्यादा नीचे तक जा पहुंचा है। कल ही देखिए, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और आपको वहां पर एक्सप्लेन किया था किस तरीके से अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज ये स्टॉक, ये जो कंपनी है, ये एक बहुत भारी भरकम कर्ज के साथ में, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा इस वक्त वोडाफोन आइडिया के ऊपर है। एंड इसके जो प्रमोटर हैं कुमार मंगलम बिरला, वो क्लियरली कह चुके हैं, सरकार को लेटर भी लिख चुके हैं कि अगर सरकार ने इंटरवेंशन नहीं किया इस कंडीशन के अंदर, तो फिर वोडाफोन आइडिया को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ इस तरीके का सीन यहां पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा। अब हुआ क्या है कि देखिए, मार्केट के अंदर प्रेशर बना उन सारे स्टॉक्स के वजह से जो वोडाफोन आइडिया से जुड़े हुए थे, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहां पर बहुत भारी भरकम कर्जा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, जो वोडाफोन आइडिया को दे रखा है। अगर ये कंपनी क्लोज होती है, ये कंपनी बंद हो जाती है, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट वोडाफोन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। कल हमने देखा एसबीआई ने इतने शानदार रिजल्ट्स पेश करे, उसकी वजह से क्या जबरदस्त भागा एसबीआई। इनफैक्ट ऑल ओवर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो एसबीआई पिलर बना और सारे के सारे बैंक्स को लेके ऊपर की तरफ भागा, लेकिन आज वापस से गिरावट देखने को मिली। कारण था वोडाफोन आइडिया, 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा वोडाफोन आइडिया के ऊपर है बेसिकली एसबीआई बैंक का। तो इस तरीके से जो जो बैंक्स जुड़े हुए हैं, जो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं, वो सारे गिरते हुए दिखाई दिए हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं कि सारे स्टॉक्स एंड और कौन से स्टॉक्स हैं जो वोडाफोन आइडिया को जिन्होंने कर्ज दे रखा है। अब इसका एक दूसरा और पहलू आपको दिखाता हूं, जो मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर वोडाफोन आइडिया इनकेस बंद होती है, अगर ये बैंकरप्ट होती है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंपनी इसको ओवरटेक करेगी, और फिर हिंदुस्तान के अंदर केवल दो बड़ी कंपनीज बचेंगी, जो कि होंगी एयरटेल, भारतीय एयरटेल, और दूसरी रिलायंस जियो। तो इन दोनों कंपनी के स्टॉक्स आज बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि अगर यहां पर कंपनी बंद होती है तो सब्सक्रिप्शंस किसके पास जाएंगे जो कंपनी वोडाफोन आइडिया को एक्वायर करेगी। तो या तो रिलायंस जियो करती हुई दिखाई देगी या फिर भारतीय एयरटेल करती हुई दिखाई देगी। यही दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं आज की तारीख में, अगर सरकार इंटरवेंशन ना करे तो। अब इसी न्यूज की वजह से देखिए, भारतीय एयरटेल का स्टॉक आज इतना जबरदस्त तेजी में था कि इसने 619 रुपए के डे हाई लगाए हैं। प्रीवियस क्लोज की आप बात कीजिए 575 रुपए के आसपास है, और नया जो हाई इसने आज लगाया, नया हाई नहीं, एक्चुअली आज का डे हाई है 619 रुपए का। तो अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 45 रुपए तक की तेजी आज भारतीय एयरटेल ने दिखाई है।
अपने नए 52 वीक हाई को लगाने में सिर्फ 4 रुपए पीछे रह गया, क्योंकि 623 रुपए का ही इसका 52 वीक हाई है। और देखिए बहुत बड़े कंसोलिडेशन से निकल के भारती 600 रुपए के ऊपर पहुंचा है कई महीनों बाद, तो यहां पर एक अपसाइड की और बड़ी पॉसिबिलिटीज बनती हैं भारती एयरटेल के अंदर। और आप ये देखिए कि ऊपर से इतना नीचे गिरने के बाद 619 तक का हाई लगाया, क्लोजिंग हुई है 596.60, यानी कि 600 से नीचे, उसके बावजूद भी हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ डिलीवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टिल अभी इसके अंदर बुलिश होना चाहिए और स्टॉक की बढ़ेगा और आगे के लेवल्स आपको दिखा सकता है। सिमिलर वे में अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में आज देखिए लगभग 1.25% की तेजी यहां पर दिखा रहा है, लेकिन अगर आप डे हाई देखेंगे तो 2154.55 रुपए के आसपास का है, जबकि प्रीवियस क्लोज है 2100 रुपए के आसपास का ही। तो ये दोनों स्टॉक इसी न्यूज की वजह से, इसी इंपैक्ट की वजह से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब आगे किस तरीके से वोडाफोन आइडिया का गेम प्ले होता है वो हमें देखना होगा, एंड और कौन सी कंपनीज हो सकती हैं जो फायदे में रहेंगी, एंड बैंक्स का क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अब निकल के आती है। तो ये ऑल ओवर जो न्यूज थी जो मार्केट में छाई रही उसका इंपैक्ट था। अब मैं देखिए आपको लेके चलता हूं इंडिया विक्स के ऊपर। अगेन आज इंडिया विक्स डाउन है लगभग 2.5% के आसपास, एंड 13 के लेवल से खिसक के नीचे की तरफ आ गया है, और इसके हिसाब से आप देखें तो स्टेबिलिटी इन लेवल्स पर भर जाती है। उसके बाद बात करते हैं देखिए ग्लोबल इंडाइसिस की, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डाउ जोन्स की बात करेंगे, डाउ जोन्स मार्केट शुरू हो चुके हैं, अमेरिकन मार्केट शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छी तेजी डाउ जोन्स के अंदर 0.5% की तेजी है। S&P भी आप देखिए फ्लैट है, पॉजिटिव साइन के साथ है। नैस्डेक में 60 पॉइंट से ज्यादा की तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है। आज जब यूरोपियन मार्केट्स खुले 12:30 बजे तो सब पॉजिटिव टेरिटरी में थे, एंड पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ही क्लोज हुए हैं। यहां पर जो वीकनेस है वो आ रही है एशियन मार्केट से, जिसमें सबसे ज्यादा जो गिरावट है वो बेसिकली आपको दिखाई दे जाएगी हांगकांग के मार्केट में। काफी दिन की तेजी के बाद में अब यहां पर तकरीबन 1% की गिरावट दिखाई दे जाएगी। चाइना फॉलो कर रहा है उसी चीज को, एंड अप्रोक्सीमेटली 0.71% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। तो देखिए ये जो फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं बहुत ज्यादा डाउनसाइड की तरफ कुछ भी इशारा नहीं कर रही हैं। अब देखिए कल है फ्राइडे और RBI की MPC बैठक, बेसिकली कल उसका जो है आउटकम वो आना है, उससे हमें पता चलेगा किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को फायदा मिलेगा, क्या कुछ रेट्स चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसका एक इंपैक्ट आपको कल देखने को मिल सकता है, जो थोड़ा बहुत हल्की साइड में मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट दिखा सकता है, लेकिन ऑल ओवर अभी भी मार्केट मजबूती की तरफ ही है। अब FIIs एंड DIIs का डेटा देख लेते हैं। देखिए अभी तक यहां पर अपडेटेड नहीं था, फिर भी मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश करके देखता हूं, शायद हो गया हो। और अभी भी देखिए अभी लगभग 8 बज चुके हैं, एंड अभी भी जो डेटा है वो अपडेटेड नहीं है। तो यहां पर क्या कुछ कंडीशन रही होगी वो सिर्फ हम एग्जम्पशन ही लगा सकते हैं, लेकिन तेजी के साथ मार्केट्स थे दिन के सेकंड हाफ में भी, इसलिए यही चीज मैं समझता हूं कि FIIs ने आज भी खरीदारी करी होगी एंड DIIs ने आज भी शायद बिकवाली करी हो। ज्यादा डेटा जो भी होगा वो हम कल के वीडियो में शेयर कर लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे किस तरीके से यहां पर FIIs एंड DIIs का रहा है रुझान आज के मार्केट्स को लेके। अब बात करें देखिए 12th of August की मैंने सीरीज लगा दी है। अब यहां पर क्या कुछ दिख रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 16,295 का स्पॉट है, तो यहां से मार्केट क्या ऊपर निकल सकता है अब, तो कहां रेजिस्टेंस है वो देखेंगे कॉल साइड की तरफ से। तो आप देखिए 16,400 के ऊपर 31,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का OI आपको दिखाई दे जाएगा, जो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इसके ऊपर 16,300 का बेसिकली आउटस्टैंडिंग OI देखेंगे, 16,500 की बात करूं तो 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का OI है। मैं ये समझता हूं कि FIIs इसका एक बार और साथ मिला और गैप अप ओपनिंग अगर मार्केट ने वापस से करके दिखाई फ्राइडे को या फिर मंडे को, तो ये 16,500 आपको निश्चित आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कंडीशंस यहां पर दिखाई दे रही है। कोई बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस यहां पर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, मार्केट ऑल ओवर ब्रॉडर वे में बुलिश हो चुका है, यानी कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये लगता है कि मार्केट के अंदर अब नीचे जाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा कम है, यहां से ऊपर के लेवल्स ही दिखाई देंगे। तो इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो वीक पड़ता जा रहा है, सपोर्ट जो है उसकी क्या कंडीशन है वो देखते हैं। 16,300 से नीचे कहां तक मार्केट जा सकता है, अगर पुल ऑफ होता भी है या फिर MPC की बैठक में कुछ ऐसा निकल के आता है जो एक थोड़ा सा जर्क रिएक्शन दे दे, वो कहां तक होगा। 16,200 पर 48,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ ही है, इसमें एडिशन जो है देखिए वो भी आज 26,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ है। तो 16,200 एक इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रांग सपोर्ट की तरह से कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई भी गिरावट आती है, अगर वो इंपल्सिव होती है तो जाहिर सी बात है रिवर्सल आपको उसमें अंदर आता हुआ दिखाई दे जाएगा, लेकिन अगर वो इलांगेट होती है, कुछ लंबे टाइम तक ठहर जाती है,
तो बेसिकली सेकेंड हाफ में 16,100 तक के जो लेवल्स है, 16,100 के जो लेवल्स है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे, क्योंकि फिर वहां पर 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का हाईएस्ट ओआई आपको दिखाई दे जाएगा। ये कंडीशन यहां पर दिखाई दे रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बिना बताए मैं इस वीडियो को क्लोज नहीं कर सकता हूं, 16,300 का जो लेवल है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जहां पर लोग अब सोच रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेट होगा और कहीं ना कहीं क्लोजिंग इसके आसपास होगी। वो कैसे पता चल सकता है, क्योंकि देखिए यहां पर लगभग 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई है पुट साइड में, एंड सिमिलरली अगर आप 16,300 पे कॉल साइड में देखेंगे तो 55,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई है। तो 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई दोनों तरफ आ रहा है, इट मींस कि यहां पर स्ट्रैडल्स फॉर्मेशन हुई भी है, एंड शॉर्ट स्ट्रैडल यहां पर अगर क्रिएटेड है तो इट मींस कि लोग ये चाहते हैं, मार्केट ये चाहते हैं कि 16,300 के आसपास ही मार्केट अब यहां पर बेस बनाए क्लोजिंग दे। और पहले ये बेस कहां पर था, 15,800 के ऊपर, 15,800 पर ये बेस हुआ करता था, जो शिफ्ट होके 500 पॉइंट शिफ्ट हुआ है। देखिए छोटा मोटा यहां पर तेजी नहीं आई है, 500 पॉइंट्स की शिफ्टिंग यहां पर आपको दिखाई दी है और 16,300 एक बेस बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहां पर ओआई इंक्रीज हो रहा है क्या कल की ट्रेडिंग सेशन में या नहीं, तो और भी ज्यादा कन्विक्शन यहां पर होता हुआ दिखाई देगा 16,300 के लेवल्स का। तो ऑल ओवर ये व्यू निकल के आ रहा है कि रेंज जो अब यहां पर आ रही है वो आ रही है 16,500 ऑन द हायर साइड एंड 16,200 ऑन द लोअर साइड। ये 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी दिखा सकता है। तो ऑल ओवर देखिए फिलहाल इस निफ्टी टुमारो की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, सवाल आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उस सवाल का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय।